घटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे जीतनराम मांझी। हम अध्यक्ष संतोष सुमन भी गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। 19 जून को बीजेपी नेताओं से मिलेंगे मांझी और संतोष सुमन बीजेपी के कई नेताओं से हम संरक्षक करेंगे बातचीत। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि संतोष सुमन जो कि जीतनराम मांझी के बेटे हैं और साथ ही नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सिर्फ इंतजार किया जा रहा था कि अगला स्टेप, जो अगला कदम है हम पार्टी का, क्या हो सकता है। और आज ही नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि जीतनराम मांझी लगातार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। और आपको हम ये भी बता दें कि हाल ही में जीतनराम मांझी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद नीतीश कुमार को ये बात रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने पार्टी में विलय की बात कही थी। लेकिन हम पार्टी ने इससे इनकार कर दिया और संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए जीतनराम मांझी और संतोष सुमन दोनों तैयार हैं।